पीछे जाओ ना जी, तुम ये कैसा है सब? नहीं मैं शूट आज जिंतूर शहर में तमाम ही नौजवान और तमाम और पूरी जमात तंजीम की जानिब से गन्ना आंदोलन का इनेकाद किया गया है। इसका मकसद बस ये है कि आज हुकूमत की जानिब से जो NRC और CAB जो आज CAA हो चुका है और कानून के साथ इख्तियार कर चुका है, असल में वो संविधान के ख़िलाफ़ है और हम इसकी मजम्मत करते हैं। और हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो बिल तमाम ही शहरियान के ख़िलाफ़ है, ये असल में हम इसकी मजम्मत करते हैं और इसी के ख़िलाफ़ हम यहाँ से धरना आंदोलन है हम शुरू कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम ये बिला मुद्दत तक जारी रखेंगे। ये NRC के खिलाफ जो है तो ये मोर्चा निकाला गया है, धरना आंदोलन रखा गया है। हमारा धरना आंदोलन हुकूमत के खिलाफ नहीं बल्कि हुकूमत की उस पॉलिसी के खिलाफ है कि जब मुसलमानों ने आरक्षण की बात की ये बोल के रद्द कर दिया गया कि मुसलमानों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। फिर आज किस बुनियाद पर हुकूमत ने कानून पास करी कि मुसलमान छोड़ के बाकी लोगों को जो है तो CAA लिया जाएगा। इसलिए हमारा ये धरना आंदोलन इसके खिलाफ है और हम इसे जब तक वापस नहीं लेती हुकूमत जारी रखेंगे इंशाल्लाह। बोलते हैं जिंतूर की जानिब से और कुल जमाती तंजीम की जानिब से जो धरने आंदोलन रखा गया है, इसका मकसद ये है कि हुकूमत अपने इख्तदार में आई उस वक्त से लेकर मुनज़्ज़म और मनसूबाबंद तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। चूँकि हमारा मुल्क सेकुलर है, धर्म निरपेक्ष है और यहाँ पर मजहब और धर्म की बुनियाद पर कानून नहीं बनाए जा सकते। जो कुछ दिनों पहले जो कानून CAA के नाम से बना, ये टोटली हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है और मजहब की बुनियाद पर कानून बनाया गया। इस कानून की रूह से हमारे मुल्क की अखंडता के लिए भी ख़तरा है और जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जो सदियों से यहाँ पर एक साथ रहते आए हैं, दरअसल इस कानून के ज़रिए से मुसलमानों को उनसे अलग करने की एक नापाक कोशिश है। हम इसके भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हैं और हुकूमत वक्त से हम मुतालबा करते हैं कि वो इस कानून को वापस ले। जब तक हुकूमत इस कानून को वापस नहीं लेंगी, सिर्फ जिंतूर ही नहीं मुल्क के गोशे गोशे में इस तरीके के धरना आंदोलन रखे जाएंगे और हुकूमत को मजबूर किया जाएगा कि वो इस कानून को वापस ले। मोबाइल